हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज बनाने जा रही हूँ कनेरियन का डोरमेट। तो इसके लिए मैंने दो कलर का ऊन ले लिया है और 9 नंबर की सिलाई ले ली है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं और ऊन से भी बना सकते हैं। तो देखिए, एक फंदे से हम ये डिजाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हमें एक नोट बनाना है। इस तरह से हम नोट लगा लेंगे इसमें और एक फंदे से हम इस डिजाइन को बनाएंगे। तो इस तरह से हम सिलाई पे लपेट के एक फंदे बढ़ा लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड से हमें एक एक फंदे इस तरह से बढ़ा लेना है। तो इस तरह से मैं इसमें 14 फंदे बढ़ा लूँगी। इसी तरह से सिर्फ हमें इसी तरह से लपेट लपेट के 14 फंदे बढ़ा लेना है। तो मैं बढ़ा लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने इसमें 14 फंदे बढ़ा लिए हैं। 2 2 4 6 8 10 12 14। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम दूसरी कलर इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए, फंदा हम अभी भी बढ़ाएंगे। इसको इस तरह से हम ले लेंगे तो ये खुलेगा नहीं। तो अब हम ये वाइट वाली कलर से बुनाई करेंगे और इसमें फंदे बढ़ाएंगे। तो 14 फंदे से मैंने शुरुआत की है। 14 नीचे ब्लैक से 14 बनाए, उसके बाद से ऊपर बढ़ने लगा है। तो हमें वाइट से हमें 8 सिलाई बुनना है और फंदा इसी तरह से बढ़ाना है और हमें 8 सिलाई बुनना है। 4 सिलाई सीधी साइड से, 4 सिलाई हमें उल्टे साइड से। इसी तरह से हमें अब दोनों साइड से हमें फंदा अभी भी बढ़ाना है। तो इसी तरह से मैं बढ़ा लेती हूँ। इसमें कितने फंदे बढ़ते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमें ये 8 सिलाई वाइट वाली कलर से बुन लेना है। तो इसी तरह से 8 सिलाई बुनेंगे तो इस तरह से 4 लाइन बन के कम्प्लीट होगी। देखिए इस तरह से, तो मैं बुन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखिए, मैंने बुन के कंप्लीट कर लिया है। तो इस साइड से 4 लाइन हो गया कंप्लीट। देखिए, 1 2 3 4। तो अब हम फिर से यहाँ से क्या करेंगे, ये वाइट वाली धागा यहीं रहने देंगे और ब्लैक वाली लगा लेंगे। और फंदा हम अभी भी बढ़ाएंगे इस तरह से। तो अब हम इसी तरह से दोनों साइड से फंदा बढ़ाते हुए हम इसमें 40 फंदे तक बुनाई करेंगे, जब तक ये
इसी तरह से मैं बढ़ा नहीं लेती हूँ 40 फंदे, तब तक मैं बुनूँगी। तो मैं छोटा ही बना के बता रही हूँ, आप चाहें अपने हिसाब से जितनी बड़ी बनाएं उस हिसाब से आप फंदे डाल लें, उसी हिसाब से आपको फंदे बढ़ाना है जितना बड़ा आपको चाहिए। तो मैं छोटा ही बना रही हूँ, 40 फंदे तक बढ़ाऊँगी इसको, इसके बाद मैं फंदे कम करूँगी। तो इसी तरह से मैं बना लेती हूँ, 40 फंदे ऊपर बढ़ा लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने ये 40 फंदे तक बढ़ा लिया है, ऊपर 40 फंदे हो गए हैं। तो अब क्या करना है देखिए, यहाँ मैंने 14 फंदे बढ़ाए थे, 1 से 14 तक, फिर मैं 14 से 22 तक बढ़ाई थी। ये वाइट वाले मैंने 8 लाइन बुनाई की, तो यहाँ फंदे बढ़ गए थे, तो 22 फंदे हो गए थे, 14 से 22 हो गए। अब 22 से अब हम मैंने 40 कर लिए। तो अब देखिए आगे क्या करना है, अब हम फंदे कम करेंगे यहाँ से, ये ब्लैक वाले से ही हम फंदे कम करेंगे। तो दोनों साइड से हम एक एक फंदे कम करते हुए इसे बुनाई करेंगे, जिस तरह से मैंने बढ़ाए हैं उसी तरह से, और बुनते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये लास्ट तक मैं बुनते हुए आ गई हूँ, तो ये सिलाई कंप्लीट हो गई। अब देखिए अब इस साइड से भी हम एक फंदे कम करेंगे इस तरह से, और फिर बुनते हुए जाएंगे, तो इसी तरह से फंदे कम होंगे। देखिए ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई। तो दोनों साइड से मैंने फंदा कम करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसी तरह से मैं इसमें 40 फंदे हैं तो इसमें 18 फंदे कम हो जाएंगे, जिस तरह से यहाँ पे मैं 22 फंदे थे तो बढ़ाना स्टार्ट करी थी, उसी तरह से कम करते हुए 22 फंदे तक मैं आऊँगी, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। दोनों तरफ से इसी तरह से हमें कम कर लेना है एक एक फंदे करके, तो लास्ट में जब 22 फंदे बचेंगे तब फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने ये 22 फंदे तक घटा लिया है, इसे फंदे कम कर लिए। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, तो 22 फंदे तक मैंने फंदे कम कर लिए हैं। अब हम फिर से ये वाइट वाली कलर इसमें जॉइंट करेंगे, और फंदे हमें अभी भी कम करने हैं, तो यहाँ से ले लेंगे इस तरीके से। अब हम 8 सिलाई फिर से ये वाइट वाली बुनेंगे। देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई, और फिर से हम एक फंदा कम करेंगे और इसे बुन लेंगे। तो इसी तरह से मैं 8 सिलाई बुन लेती हूँ, और नीचे यहाँ जैसे 14 फंदे थे, तो इसी तरह से मैं ये 8 सिलाई बुन लूँगी, तो ये कम होकर 14 फंदे ऊपर की साइड आ जाएंगे, तो फिर मैं दिखाऊँगी। फंदे हमें यहाँ से शुरुआत करी थी तो फंदे बढ़ रहे थे, अब हम नीचे की साइड बुन रहे हैं तो ये फंदे कम होते जाएंगे और डिजाइन बनती जाएगी। तो इसी तरह से मैं फंदे कम कर लेती हूँ दोनों साइड से, जब लास्ट में 14 फंदे बचेंगे फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये इसी तरह से बुन लेना है, इस तरह से हमें 4 लाइन चाहिए। देखिए तो मैं बुन लेती हूँ 8 लाइन, 8 सिलाई बुनूंगी तब 4 लाइन बन के कम्प्लीट हो जाएगी, तो कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखिए मैंने 4 लाइन कम्प्लीट कर लिया, तो इसे मैं फंदे कम करते हुए इसे 4 लाइन कंप्लीट कर लिया, यानी कि 8 सिलाई बुन ली तो 4 लाइन कंप्लीट हो गया है। अब फंदे इसमें देखिए 2
चार, छः, आठ, दस, बारह, चौदह। तो जिस तरह से ये ब्लैक वाले 14 फंदे थे शुरुआत में, एक से मैंने 14 बढ़ाए थे, तो उसी तरह से अब यहाँ से हम ब्लैक कलर लगा लेंगे और ये 14 फंदे आप कम करेंगे। देखिए एक फंदे कम हो गए और इसे बुनते हुए हम कंप्लीट करेंगे ये सिलाई। तो अब इसी तरह से ये 14 फंदे भी कम हो जाएंगे इस तरह से। तो ये 14 फंदे कम कर लेती हूँ इसी तरह से, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। एक फंदे से शुरू करी थी तो एक फंदे ही रह जाएंगे। इस तरह से हमें कम कर लेना है दोनों साइड से। तो मैं बुन लेती हूँ, एक फंदे बचेंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये भी कंप्लीट हो गई बन के, और दो फंदे थे तो एक फंदे अब हो गए। अब यहीं से हम क्या करेंगे, धागा को कट कर देंगे। तो ये कली कंप्लीट हो गई। तो अब क्या करेंगे, इसमें लगाने के लिए मैं कली बनाऊंगी। ये कंप्लीट हो गया बनके, अब हम इस साइड्स में साइड साइड में लगाएंगे कली। तो बना के तैयार कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ कली कैसे बनानी है। देखिए अब मैं इसमें कली बनाऊँगी। तो कली बनाने के लिए देखिए मैंने 13 फंदे ले लिए हैं, इसमें मैंने 13 फंदे बुने हैं। देखिए 2, 3, 4, 5, 6 फंदे मैंने बुन लिए। अब देखिए 13 फंदे हैं तो एक फंदे और बुन लूँगी। 7 फंदे ऊपर की साइड रहेंगे, 6 फंदे नीचे की साइड। अब यहाँ से मैं देखिए अब देखिए 5 फंदा बुन लिए, एक फंदा हम नीचे की साइड छोड़ देंगे और सिलाई को पलट लेंगे। अब इसको मैंने व्हाइट वाले को पीछे किया, ब्लैक वाले को आगे लाके हम ये 7 फंदे इसे हम बुन लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए यहाँ से पहला फंदा उतारे और 2, 3, 4, 5, 6 फंदे बुन लिए। अब एक फंदा हम व्हाइट से ब्लैक वाले को बुन लेंगे। और देखिए यहाँ 3, 4, 5 ये 5 फंदे व्हाइट वाले बुन लिए, एक फंदा हम ये छोड़ देंगे और सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। अब सीधी साइड से जो जैसा कलर है उसी से हमें बुन लेना है इस तरीके से। इसको पीछे करेंगे इस तरह से। ये बुनते हुए कंप्लीट कर ली इस सिलाई। अब फिर से देखिए पहला फंदा उतारा, 2
तीन चार और पाँच, पांच फंदे बुन लिए। इसको हम इस तरह से ले लेंगे और एक दो तीन चार और ये पाँच, सिलाई को यहीं से पलट लेना है। तो इसी तरह से हमें ये एक एक फंदे हम वाइट से बुनते हुए ऊपर तक जाएंगे। ये ब्लैक वाले हैं ये वाइट हो जाएंगे, सिर्फ हमें एक फंदे रहेंगे। तो इसी तरह से मैं ऊपर तक बुन लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। बुनना इसी तरह से है, एक एक फंदे हमें ऊपर तक लेना है। जिस तरह से एक दो तीन फंदे मैंने बुन लिए, तो ये चार फंदे और हैं, तो इसे मैं बुन लेती हूँ। ये चार फंदे हैं, इसे मैं बुन लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। अब देखिए एक फंदे रह गए हैं, तो इस तरह से हम ले लेंगे और इसे बुन लेंगे इस तरह से। और नीचे फिर से एक फंदे छोड़ देंगे और सिलाई को पलट लेंगे। अब यहाँ से देखिए, अब ये आधी कली बनके कंप्लीट हो गई है। तो अब यहाँ से क्या करना है, ये देखिए आधी कली कंप्लीट हो गई यहाँ से यहाँ तक। अब हमें ये ही कली को रिपीट करना है, जिस तरह से मैंने वाइट से बुनते हुए ऊपर की साइड आई हूँ, इसी तरह से मैं ये ब्लैक से बुनते हुए नीचे की साइड आऊँगी। अब ये सारे वाइट है तो ये ब्लैक हो जाएंगे, आधे आधे वाइट रहेंगे। तो किस तरह से करना है देखिए। अब एक एक फंदा हम इस तरह से नीचे बुनते हुए जाएंगे, वाइट वाली को हम ब्लैक से बुनेंगे और ये एक एक फंदा छोड़ी हूँ, इसे हमें वापस बुन लेना है इस तरह से और सिलाई को पलट लेना है। सीधी साइड से जो जैसा कलर है उसी से हमें बुन लेना है इस तरह से। तो देखिए ये दो फंदे बुन लिए, ये तीसरा है। धागा को इस तरह से ले लेंगे और लेते हुए ये पांच फंदे बुनेंगे। तो चार फंदे व्हाइट के हैं, एक फंदे हम नीचे से बुन लेंगे तो ये पांच हो जाएंगे इस तरह से। और सिलाई को यहीं से पलट लेना है। तो इसी तरह से हमें बुन लेना है, ये कली को तैयार कर लेना है इसी तरह से। तो मैं बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनाना है। सिर्फ हमें एक बार और देख लीजिए, इस तरह से हमें ब्लैक वाले से वाइट को बुन लेना है। एक एक फंदे हम नीचे तक बुनते हुए, ये वाइट वाले हैं ये ब्लैक हो जाएंगे, जिस तरह से मैंने शुरुआत करी थी उसी तरह से ऊपर की साइड। ऊपर सात फंदे हो जाएंगे, नीचे छह फंदे हो जाएंगे। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये तीन फंदे बुन लेती हूँ, फिर मैं आगे दिखाती हूँ। तो देखिए ये कली बनकर तैयार हो गई है। तो ये लास्ट सिलाई है ऊपर के साथ, देखिए दो चार छः सात, दो दो चार पाँच फंदे हैं वाइट वाले, एक ये ब्लैक वाली, तो ये छः फंदे नीचे हो गए, सात फंदे ऊपर, तो तेरह फंदे हो गए। तो मैंने शुरुआत इसी तरह से की थी। तो अब देखिए, अब हम सारे फंदे को ब्लैक से बुन लेंगे दो सिलाई, क्योंकि ये कली कंप्लीट हो गई है। तो बीच में लाइन बना देंगे हम ब्लैक से और फिर से हम ये कली तैयार करेंगे। आपको लगे कि यहाँ ज़्यादा गैपिंग है तो यहाँ से एक फंदे आप उठा के इस तरह से और इसे बुन लेंगे, तो गैपिंग ख़त्म हो जाएगी। तो मैं ऐसे ही बुन रही हूँ। अब देखिए एक सिलाई हम सीधी साइड से भी बुन लेंगे, तो बुन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो देखिए ये कंप्लीट हो गई एक कली। तो इसी तरह से मुझे
तीन कली चाहिए। इसी तरह से मैं तीन कली बना लेती हूँ, ये फिर मैं लास्ट में आपको तीन कली बना के दिखाऊंगी कैसा बना है। देखिए ये बना के कंप्लीट कर लिया मैंने। अब क्या करना है, ये लास्ट सिलाई है डिजाइन की, तब हम सारे फंदे ब्लैक से बुन लेंगे। इसी तरह से ब्लैक से बुनते हुए ये कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी। इसी तरह से सारे फंदे को बुन के कंप्लीट कर लेंगे ये सिलाई, और सीधी साइड से भी एक सिलाई बुन लेंगे। देखिए कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से भी हम एक सिलाई बुन लेंगे। तो इसी तरह से मैं बुन लेती हूँ। और यहाँ से मैं फंदे कम कर लूँगी इसी तरह से। तो हो गया। तो इसी तरह से और भी कली बनेंगी, तो बना लेती हूँ फिर आगे आपको दिखाती हूँ। बस कुछ नहीं करना, बस यहाँ से एक फंदे एक सिलाई बुन लेना है और फंदे कम कर लेना है। बस कंप्लीट हो गई तीन कली। तीन कली की ही बनानी थी। देखिए मैंने बना के ये कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने ये चार कली बनाई है। तो इस तरह से हम रख के इसको सिलेंगे ऐसे। इस तरह से हम रख के और सिलेंगे। तो कैसे सिलना है देखिए, इसको हम इस तरह से रख लेंगे और ये पकड़ के और इस तरह से सिलेंगे। तो देखिए कैसे मैं सिलती हूँ। अब चाहे जितना बड़ा बना ले, बनाने का तरीका सेम रहेगा और सिलने का भी। तो देखिए इस तरह से हम रख के दोनों को पकड़ के और सिलेंगे। ज़्यादा टाइट नहीं करना है, हल्के हाथों से सिलना है इसे। इसको हम दोनों को इस तरह से सिलेंगे कि दोनों की जॉइंट अच्छी हो जाए। तो देखिए एक साइड से ये सिल गया है। तो इसी तरह से सिलेगी, और ये जो डिजाइन है ये बीच में ही आनी चाहिए, ये कली के बीच में। इसी तरह से चारों एक साथ ही आनी चाहिए। तो मैं सिल लेती हूँ चारों कोना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं ये चारों कली जोड़ दी हूँ इसमें। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है जोड़ने के बाद। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगला वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ। तब तक के लिए।